दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के वर्ल्ड ऑफ विस्डम सीरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि वे कौन से ऐसे देश हैं जहां से आप मुफ्त में या नाम मात्र का शुल्क अदा कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जहां दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ती जा रही है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि देश या विदेशी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त डिग्री हासिल करने के लिए आपके पास अच्छा खासा बजट हो या फिर स्कॉलरशिप मिल जाए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जरूरी नहीं है कि विदेश से पढ़ाई करने के लिए आपके पास बजट हो या फिर छात्रवृत्ति आपको मिले। दुनिया के कई ऐसे देश हैं दोस्तों, जहां स्टूडेंट्स फ्री में या नाम मात्र की फीस अदा कर पढ़ाई कर रहे हैं। बस आपको यह पता लगाना है कि किस देश में आप मुफ्त में या नाम मात्र का शुल्क अदा कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। चलिए हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ नाम मात्र की फीस ली जाती है या मुफ्त में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, जर्मनी में फ्री में कर सकते हैं आप पढ़ाई। जी हाँ, जर्मनी से डिग्री हासिल करने का चलन काफी बढ़ता जा रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को काफी आकर्षित कर रहे हैं। कारण यह है कि जर्मनी के कई सरकारी विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई फ्री में होती है। यह नियम स्थानीय स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरे देशों से पढ़ने आए स्टूडेंट्स पर भी लागू होता है। प्रशासनिक खर्चे को पूरा करने के लिए नाम मात्र के यूनिवर्सिटी शुल्क यानी 150 से 250 यूरो तक लिया जाता है। अगर आप जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ने के लिए एडमिशन लेने में सफल हो भी जाते हैं, तो वहाँ रहने के लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। जर्मन स्टूडेंट वीजा लेने के लिए आपको यह साबित करना होगा दोस्तों कि वहाँ प्रत्येक साल रहने के लिए आपके पास 8,700 यूरो हैं। स्टूडेंट्स के रहने के लिए जर्मनी के दो शहर म्यूनिख और बर्लिन है। दोनों शहरों को QS रैंकिंग में भी शामिल किया गया है। जर्मनी ही नहीं दोस्तों, बल्कि आप फ्रांस में भी कम बजट में या फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। जर्मनी के मुकाबले फ्रांस को सस्ती शिक्षा के लिए भले ही नहीं जाना जाता हो, लेकिन विदेश स्टूडेंट्स भले ही उनकी नागरिकता कुछ भी हो, ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रांस में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और बेहद कम बजट में भी। हालांकि फ्रांस के सरकारी विश्वविद्यालयों में तकनीकी रूप से ट्यूशन फीस लागू है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहां नाम मात्र की फीस ही ली जाती है। यहां के विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन फीस के रूप में महज 184 यूरो यानी 184 यूरो हर साल लिए जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी फीस में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। दोस्तों, जर्मनी की तरह फ्रांस में मुफ्त में कोर्स पढ़ाए जाते हैं। वे फ्रेंच भाषा में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको फ्रेंच भाषा आनी चाहिए। लेकिन बढ़ते विदेश विद्यार्थियों के चलते अब फ्रांस के कुछ कोर्सेज को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू करने से पहले आप फ्रेंच भाषा का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फीस चुकानी पड़ेगी। फ्रांस में रहने की लागत भी अपेक्षाकृत किफायती है। एक साल के लिए आपको 1600 यूरो खर्च करने होंगे। हालांकि राजधानी पेरिस में रहना दूसरों शहरों के मुकाबले महंगा है। दोस्तों, नॉर्डिक देशों जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे में भी आप मुफ्त में या बेहद कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं। नॉर्वे में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है, भले ही आप दूसरे देश से यहाँ पढ़ने आए हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी की तरह आपको यहाँ यानी कि नॉर्वे केवल सेमेस्टर फीस ही चुकानी होगी, जो 37 से 74 डॉलर यानी 37 से 74 डॉलर पड़ती है। अधिकतर स्नातक कोर्स नॉर्वे भाषा में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप नॉर्वे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको वहां की राष्ट्रीय भाषा सीखनी होगी। मास्टर डिग्री के लिए भी कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है दोस्तों। वहीं आइसलैंड की चारों सरकारी विश्वविद्यालय में कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन हर साल आपको रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 400 यूरो चुकाने होंगे। यूरोप के कुछ और देश भी हैं जहां पढ़ाई के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता या नाम मात्र की फीस ली जाती है। यूरोप में आने वाले
देश ऑस्ट्रिया में सभी स्टूडेंट्स मुफ्त में या नाममात्र की फीस जमा कर पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही चेक रिपब्लिक में भी आप ना के बराबर फीस देकर अपनी डिग्री ले सकते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक साल 3,800 यूरो यानी 3,800 यूरो सालाना फीस के तौर पर चुकाने होंगे। पश्चिमी यूरोपीय देशों के मुकाबले यहाँ रहने की लागत कम है। यहाँ रहने के लिए आपको प्रत्येक साल 9,000 अमरीकी डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ ग्रीस देश का नाम भी आता है। यहाँ के प्रत्येक देश के बच्चे ग्रीस के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुछ मास्टर कोर्सेज को छोड़कर मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन से बाहर के देशों के स्टूडेंट्स भी यहाँ बेहद कम फीस अदा कर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स को प्रत्येक साल 1500 यूरो फीस के तौर पर ही देने होंगे। अगला देश आता है दोस्तों इटली। जी हाँ, यहाँ निजी विश्वविद्यालयों की फीस अधिक है जबकि सरकारी विश्वविद्यालयों की ट्यूशन फीस बेहद कम है। इटली के सरकारी विश्वविद्यालय स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रत्येक साल 850 से 1000 यूरो यानी 850 से 1000 यूरो ट्यूशन फीस के तौर पर लेते हैं। दोस्तों इटली में रहने की लागत भी ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने के लिए प्रत्येक साल आपको 12 से 18000 यूरो यानी 12 से 18000 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। अगला देश आता है स्पेन। दोस्तों इसी सूची में अगला नाम आता है स्पेन का। जी हाँ, स्पेन में पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं देनी पड़ती है जबकि दूसरे देशों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रत्येक साल 750 से 2100 यूरो यानी 750 से 2100 यूरो तक खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ रहना थोड़ा महंगा है दोस्तों। रहने के लिए आपको प्रत्येक साल 10,800 से लेकर 13,200 यूरो तक खर्च करने होंगे। अगला नाम आता है अर्जेंटीना का। दोस्तों यहाँ के स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई मुफ्त है। विदेशी स्टूडेंट्स को सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए नाम मात्र की ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। हालांकि निजी विश्वविद्यालय 5,000 अमरीकी डॉलर यानी कि 5,000 अमेरिकन डॉलर फीस के तौर पर लेते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड ऑफ विजडम सीरीज में आज इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन चलते चलते आपके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ। जो व्यक्ति संघर्ष कर सकता है वही सही सुख का अनुभव कर सकता है। इसीलिए सही कहा है किसी ने कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।